पैराबोला और इस पैराबोला में थोड़ा सा जो पढ़ना है, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सारे सारे व्यूअर्स से कि प्लीज इस चैप जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए। आपको पता है कि यूट्यूब का टारगेट होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं मेरे, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी करिए एक तो घर से, और प्लीज जितना हो सके जो है इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्या पढ़ना आज हमने। तो पैराबोला का बेसिक देखेंगे कि देखिए सबको पता होगा पैराबोला, मैंने पहले बता चुका है सारा बेसिक। अब देखिए ये पैराबोला का स्ट्रक्चर है और इसमें ये याद रख लेना ये जो कोना होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जहां से ये आपके पास क्या है, फोकस है। फोकस को हम ये जो एक्स एक्सिस पे है इसमें हम इसे 0.0 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद वो लाइन जो कि क्या करेगी, परपेंडिकुलर होगी एक्सिस पे, दिख रहा होगा ना ये परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्सिस पे, ठीक है, और क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या होगी आपकी, दैट इज लेटस रेक्टम होगी। क्या होगी, लेटस रेक्टम। तो क्लियर हो गया लेटस रेक्टम क्या होता है। अच्छा, इसके बाद इसके पीछे जो होती है, एक मिनट में यहाँ से एक लाइन पास कर देती हूँ, और उसके पीछे वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, वर्टेक्स भी पता चल गया, फोकस भी पता चल गया, लेटस रेक्टम भी पता चल गया। तो अब ये पूरे चैप्टर में जब ये टर्म्स आएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप कि क्या क्या है करके, तो पता चल गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला। टाइप्स ऑफ पैराबोला है उनको भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पैराबोला कौन कौन से हैं और कैसे पता चलता है। तो देखो गाइस, ये जो है आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला कैसे पता चला, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बन रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होती है, तो उस टाइम पे फोकस का जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स है, मैंने बताया था जो पीछे होगी लाइन उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। ये आपके पास क्या है, फोकस का जो रहेगा इक्वल डिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि यहाँ पे जो है पैराबोला कहाँ बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए आ गया। तो आपकी जो इक्वेशन होगी लेफ्ट हैंड पैराबोला की वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जो है 4ax। क्लियर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा है, राइट हैंड पैराबोला। तो राइट हैंड पैराबोला दिख रहा होगा आपको, राइट हैंड साइड में बन रहा है, ठीक है। उसका जो फोकस होगा वो हमेशा क्या होगा, a0, a,0। तो देखो ये बताने का क्या पर्पस रहता है कि अगर आपको ये दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पैराबोला किस तरह का रहेगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला रहेगा, कैसे पता चल, सॉरी राइट हैंड पैराबोला रहेगा, कैसे पता चलेगा कि a तो पॉजिटिव में है ना, तो ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड को बन रहा होगा, x एक्सिस पे है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी इक्वेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा, वो होता है अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला की अगर हम बात करें तो वो कैसा रहेगा आपके पास, ये x एक्सिस हो गया, उस पर फोकस क्या है, ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला कह रहे हैं, ठीक है। और ये x एक्सिस है और y इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, माइनस का a होगा। सबको पता है x के नीचे इस साइड को जो है वो सारे y एक्सिस आती है, तो ये माइनस का होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इसकी y इक्वल्स टू माइनस a होगी। इक्वेशन क्या रहेगी अपवर्ड पैराबोला की, दैट इज x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फोकस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव रहता है, इसलिए पॉजिटिव में रहेगी, ठीक है। अब एक और है आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला, वो भी देख लेते हैं। आपका अपवर्ड पैराबोला बता दिया, अपवर्ड पैराबोला, ये आपका कौन सा है, आपका है ये डाउनवर्ड, ठीक है, कौन सा है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो ये आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला, फिगर से भी पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी x का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a बाय, और उस टाइम पे जो वर्ड आप अगर डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a, और फोकस कैसा होगा, 0, -a। तो ये थोड़ा बेसिक था, आपको इक्वेशन पता होनी थी, अब धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो है वो क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी, और फोकस क्या दे रखा है उसने, 2, 0 दे रखा, और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखे, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो हम पहले वो बनाएंगे, अपना पैराबोला बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखोगे आप, तो यहाँ पे उसने बोला हुआ है इसका फोकस क्या है, 2, 0, तो ये क्या अपना x है, ये क्या अपना y, और x क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है जो है उसका फोकस कैसे जा रहा होगा, कुछ ऐसे यहाँ पर होगा 2, 0, ठीक है। और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स बताइए वो पीछे बनने की डायरेक्ट्रिक्स, ऑब्वियसली बात है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था राइट हैंड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, दैट इज y इक्वल्स टू 4ax होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है a की वैल्यू दी है, बताया था ये क्या होता है, 1, 0 फोकस जो होता है, तो a की वैल्यू दी है वो कितनी आपके पास, दैट इज 2, है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये कितना होगा 2, और ये कितना हो जाएगा x, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 कितना होगा x, और ये, तो
दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास था इक्वेशन ऑफ जो है पैराबोला। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा हमने कैसे क्या लिया हुआ है। ए कैसे पता किया, फोकस दे रखा है आपको, बिल्कुल दे रखा है, 2.0 दे रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है टर्म्स अलग अलग दे रखे। उसकी उसने वर्टेक्स क्या दे रखा है, 0.0, और फोकस क्या दिया हुआ है, 0.2। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे जो उसने दे रखा है ए, वो कहाँ पे है, ए आपके पास वाई है, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो वाई एक्सिस पे है। ये पैराबोला कैसा बनने वाला, कहीं ना कहीं अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। आप देखिए, अगर इसे प्लॉटिंग आपने समझ सीखी होगी, 9th-10th क्लास में हमने सीखा है प्लॉटिंग कैसे करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसा बनेगा 0.2, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे, क्योंकि इसका वर्टेक्स उसने साफ साफ कहा है कि किससे, ओरिजिन से पास करा है, 0.0 से, ये ओरिजिन से पास कर जाएगा 0.0 से, क्लियर हो गया। अब इक्वेशन अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो अपवर्ड पैराबोला की क्या होती है, दैट इज एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन होगी, पॉजिटिव में हो जाएगी अपने पास, क्लियर हुआ गाइस। ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, जब क्वेश्चन करोगे ना आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो है फोकस किस पे है, y एक्सिस पे। तो हम क्या करें, ए क्या है उसने दिया हुआ, दैट इज 2, फोकस क्या दे रखा है 2, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 4, और ये जगह 2, और ये कितना हो जाएगा वाई, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 4 2 8, और ये जाएगा वाई, ठीक है। तो दैट इज आवर इक्वेशन, क्लियर हो गया आपको कि कैसे हमें करना था ये क्वेश्चन। तो जैसा प्रीवियस था वैसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ उसने थोड़ा सा टर्म्स अलग अलग दे दिया, उसके बाद वर्टेक्स और फोकस दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3, ठीक है। तो हम इस हिसाब से देखेंगे तो वाई एक्सिस के जो आप देखोगे पैराबोला वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो हम ये कह सकते हैं सिमेट्रिक तो सबको पता होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे कि आपको पता था ए का हो गया है, बी का सिमेट्रिक ऐसे हो गया है ना, तो पढ़ा हमने छोटी क्लासेस में, तो वो वाई के सिमेट्रिक है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए, दैट इज एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उसने साथ साथ में क्या कहा है कि वो पास किसे करता है, दैट इज 2, -3, ठीक है। अगर 2, -3 है तो इसके अंदर डाल के हम a निकाल सकते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, तो इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताती हूँ मैं पहले कि जब भी कोई मतलब जो है पॉइंट किसी से पास करेगा तो उसे सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपके पास है दैट इज 2, -3, वो क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, ए की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू निकलेगी तब जाके हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं, तभी आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें डालते तो एक्स क्या दिया, दैट इज 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना, और ये हो जाएगा 4, और ए हमें पता नहीं लेकिन वाई पता है, दैट इज -3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4a और -3, क्लियर हुआ। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू आप देखोगे तो दैट इज 1 जो है आपके पास हो जाएगी -1/3, ये आ जाएगी। अब a आ गई इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, ये जाएगा -1/3, और क्या बनाएगा y, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, इक्वेशन जो आई है वो आई है -4/3 और y, दैट्स योर आंसर, ठीक है। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी थी ना आपको, तो आप हमारे पास निकल गए, ठीक है। और ये कैसे ले लिया मैंने, तो ये आपको बता दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि वो क्या है, वाई एक्सिस की क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैंने क्या दिया है, इक्वेशन वाई एक्सिस से सिमेट्रिक वाली ले ली है, ठीक है। और क्योंकि ये पॉइंट से पास करता है वो, तो इस पॉइंट को इसके अंदर डाल के मैंने ए की वैल्यू निकाल लिया और वहां से अपनी इक्वेशन आ गया, कि आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्टेक्स जो है वो 0.0 पर है, पास किससे करता है 5.3 से, और सिमेट्रिक किसके है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। लास्ट टाइम लास्ट जैसा क्वेश्चन ही है, तो अब हम देखेंगे तो वर्टेक्स उसने दिया हुआ है, इक्वेशन जो बनेगी वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू क्या बताएगी, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, पासिंग थ्रू कहाँ से है, पासिंग थ्रू THROUGH, ठीक है, पासिंग थ्रू किससे हो जाएगी, दैट इज क्या था, 5.2 से, इसको इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y कितना है, दैट इज 2, ठीक है। देखो गाइस, मैंने अभी बता दिया, ये ही मैं पॉइंट्स को इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 4 2 8, और ये a हो जाएगा, तो देखोगे 25/8 जो है वो 8 जो है वो किसकी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। तो अब अगर इक्वेशन निकालनी है आपने तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 25/8, 25/8,
कि आपको ये सॉल्यूशन निकालना था, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। वो बोलता है फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग, क्या बोला हुआ है, किससे बनता है वो, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 जो है वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 12 वाई इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना। अगर आप ये देखोगे तो पैराबोला कैसा बन रहा है, कुछ अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा आपका अपवर्ड पैराबोला। और उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, एंड ऑफ द जो है लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम मैंने बताया था वो क्या होता है, जो फोकस से पास करेगा, क्या होगा, जो फोकस से पास करेगी वो लाइन जो फोकस से पास करेगी और जो है परपेंडिकुलर भी होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट रेक्टम होगी। अब देखिये लेटेस्ट रेक्टम जो होती है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आप देखोगे, ठीक है, इसकी लेटेस्ट रेक्टम की अगर आप इक्वेशन देखोगे तो क्या होती है, दैट इज 4a होती है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ये इक्वेशन क्या दी है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 y दी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 4a, और y होती है कि नहीं होती है, तो 4a किसके बराबर, आप देख रहे हो दैट इज 12 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कैसे ले रही हूँ, क्योंकि हमें पता है उसने बोला हुआ है कि ये जो है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, यहाँ से कुछ हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये 4a जो है वो किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर, मतलब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो 4a होती है। ठीक है, अब ये 4a की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाल ली, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होती है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई होती है कि नहीं होती, तो 4a क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, 4a किसके बराबर है, दैट इज 12 के बराबर। ये किसके बराबर होगी, 12 के बराबर, क्लियर हुआ। तो 12 के बराबर देखिए तो हाफ ऑफ करेंगे, ये 6 और ये 6 हो जाएगी, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे अगर फोकस की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 0 कॉमा और कुछ a होगा, तो वो a की वैल्यू मतलब क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3, समझ में आ गया। a की वैल्यू भी निकल गई, a कितनी हो जाएगी, दैट इज 3, तो मतलब ये अगर b इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 3, b में डिस्टेंस ले रही हूँ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये कैसे लिया मैंने, a की वैल्यू कैसे ली है, उसके बाद मैंने लेटेस्ट वेक्टर 6 कैसे लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस जो है इनटू हाइट होती है। अच्छा अगर यहाँ हाइट की बात करें तो क्या होगा, 3, ठीक है, हाइट की बात करेंगे तो क्या होगा, 3, अच्छा एक मिनट में फिर से लिख देती हूँ, हाफ बेस, बेस क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, देखिए होगा ना, ये बेस, बेस कितना हो गया, दैट इज जो है 12, ठीक है, पूरा का पूरा बेस कितना हो गया 12, और हाइट की बात करें तो वो कितना होगा, 3, अच्छा इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 है 12, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एरिया आया है आपके पास वो एरिया कितना है, दैट इज 18, ठीक है, तो ये आपके पास है, और जो है स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर आप कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन होना था, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है था और जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बस इतने ही रहेंगे। तो जो है एक क्वेश्चन मैं ज्यादा से ज्यादा आपको देते जाऊंगी कि ताकि आप घर पे ट्राई करें। तो मान लीजिए आपके पास जो है फोकस दे रखा है, ठीक है, फोकस जो दे रखा है वो दे रखा है 0, -3, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है उसने, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है आपको, दैट इज वो दी है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का, सॉरी एक्स नहीं है वाई है, वाई इज इक्वल्स टू आपके पास 3 है। और गाइस आपको ना इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल के बतानी है, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू टू ऑल।